आज हम बच्चों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट पराठा बना रहे हैं। थोड़ा अलग है, हटके रेसिपी, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, जिसमें आलू, पनीर, धनिया, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, काफी कुछ आप डाल सकते हैं उसमें। मेरे पास जो अवेलेबल है आज हम उसी से बनाएंगे। ये मैंने हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया, जितना आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से करिएगा। ये थोड़ा सा ऑयल, ये घी डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से इसका डो रेडी करेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लूज भी नहीं बनाना, टाइट भी नहीं करना। जैसे रोटी के लिए डो लगाते हैं, इसी तरीके का डो रेडी करना है। रेडी हो चुका है। अब इसको 15 से 20 अच्छे से लोच देके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको साइड पर उठा के रख देंगे। फिर तो उसके बाद हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 20-25 मिनट हो गए, आटा रेडी हो गया, उल लगा लेते हैं, अच्छे से इसको एक नीट कर लेते हैं। और हो चुका है देखिए। अब इसकी लोई तोड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम मसाला बना लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ी बनाएंगे पेड़ी। देखिए बहुत डिफरेंट तरीके का ये पराठा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मल से थोड़ा हटके है। ये बाउल लेंगे, इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। दो आलू ले लिए मैंने बॉईल करके, इसको कस लिए थे मैंने, क्योंकि इसके अंदर गांठ नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। थोड़े बड़े साइड के थे, छोटे हो तो 3 ले लीजिएगा। काफ़ी सारी पनीर ले लिया, करीब 100 ग्राम जितना। प्याज ले लिया, प्याज अगर आप खाना चाहते हैं तो डालिए, स्किप कर सकते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मेन वो है, इसमें धनिया डालेंगे, बहुत सारा वाला धनिया। आप पालक भी डाल सकते हैं, सीजन है, मेथी का सीजन है, आप मेथी भी इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने काफी सारा इसके अंदर धनिया डाला है। अब हम स्पाइसेस डालें। अब अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज हरी मिर्च डाल लीजिए थोड़ी बारीक काट के बिल्कुल। ये देखिए पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है इसलिए थोड़ा कम क्वांटिटी रखूंगी मैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा मसाले कर सकते हैं। धनिया पाउडर, वन फोर्थ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स भी डाली है, हरी मिर्च भी डाली है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मिर्च पे कम ही डालूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला, पिंच ऑफ गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक 1 टेबल स्पून डाला मैंने। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हाथ से ही मिलाएंगे। ये देखिए मसाला मिक्स हो गया, अब हम बेल लेते हैं इसको। थोड़ा सा मैंने पेड़ी को बड़ा लिया है, रोटी से थोड़ी बड़ी पेड़ी है, इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। वैसे इसको हाथ में लेके भी, थोड़ा सा हाथ से करके भी, वो हाथ से करके भी बेल सकते हैं। इस तरीके से करते हुए बेल लेंगे बराबर का, थोड़ा मोटा बेलेंगे। इस तरह से घी लगा देंगे इसके अंदर, वो ब्लोडेड सा बनाएंगे पराठा। ये देखिए काफी सारा हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। आप इसको मिक्स पराठा भी बोल सकते हैं, ग्रीन पराठा भी बोल सकते हैं। बच्चों के लिए काफी अच्छा है इस तरीके से करते हुए इसको। देखिए एक्स्ट्रा आटा हम निकाल लेंगे, और इसके ऊपर आटा डस्ट कर देते हैं। बाय साइड मैंने गरम होने रख दिया। अब इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। जंबो पराठा है एक तरह से, ये बहुत सारी स्टफिंग के साथ है, और ना ये खुलेगा, बहुत आराम से इसको हल्के हाथों से बेलिएगा, खुलेगा भी नहीं, और बहुत अच्छी स्टफिंग है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इसको हल्का सा ऑयल लगा देते, डाल दिया इसको अच्छे से, थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से फैला देती हूँ मैं इसको अच्छे से। अब इसको आराम से उठा के इस तरीके से करते हुए ऐसे डाल देंगे साइडों में, ऑयल लगाते हुए। ग्रीन और मिक्स, मतलब कुछ भी आप सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, बच्चे जो खाना चाहें, और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनेगा ये ग्रीन पराठा। पालक, मेथी, सीजन है तो आप ये सब चीज़ें भी इसके अंदर डाल सकते हैं। साइड बाय साइड हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। ये देखिए जितने वो सिक रहा है इतने ये भी रेडी हो जाएगा।
इसी तरीके से मैं दूसरा भी देखिए काफी सारी स्टफिंग डाल के ही बना रही हूँ। एक सीक्रेट है, अगर आपको कभी लगे आपका मसाला कभी निकल रहा है और आपसे नहीं हैंडल हो रहा, नहीं बन पा रहे परांठे, तो उसमें आप एक तरीका कर सकते हैं, स्टफिंग के अंदर 1 से 2 चम्मच करीब आटा मिला लीजिए, उससे फिर आपको नहीं निकलेगा। ये देखिए देखिए कितना अच्छा लाल सिक्के रेडी हुआ है। दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं, देखो रेडी हो चुका है ये, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए मैं ये डालूंगी, इसी तरीके से मैं दूसरा भी डाल देती हूँ। इसको सिम कर देते हैं, बिल्कुल सिम टू मीडियम ही रख करके सेकना है। उस पर बटर लगा देती हूँ, ये देखिए बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा इस रेसिपी से, एक बार जरूर बना के कि प्रॉपर आलू भी नहीं है, पनीर भी नहीं है, ग्रीन भी काफी सारा डाला है, मेथी, पालक, धनिया, जो भी आपको अच्छा लगता है, इस तरह के लीफ, सोया लीफ, जो भी आपको अच्छा लगता है और बच्चे जो खा लें वो आप डाल के बनाइएगा। ये देखिए दूसरा भी रेडी हो गया, इसको भी उतार लेते हैं, इस पे भी बटर लगा देते हैं। और अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए खाने में बहुत टेस्टी बना हुआ पूरा लोडेड पराठा है, जंबो पराठा भी बोल सकते हैं इसको। इस रेसिपी से बना के जरूर ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। देखिए मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, ये देखिए काफी फिलिंग वाला बना हुआ है और बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप इस रेसिपी से एक बार बच्चों को डिफरेंट तरीके का पराठा बना के जरूर खिलाइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।